मुन्ना आजाद की जगह परवीन बेंडवाल आए हैं यहाँ पर। जावेद अली सर अपनी इनिंग का आगाज करते हुए खुद की भी पहली ओवर और टीम की भी ओर से पहली ओवर लेकर और वहां पर एक कैच की संभावना, मैं समझता हूं एक आसान सा कैच और मिलती हुई यहां पर पहली गेंद पे इनिंग की सफलता जावेद अली सर को। पहला विकेट गंवाया यहां पर नेशनल बाड़ेगांव ने। ऑफ स्टंप के बाहर थी, बाहर निकलती हुई गेंद थी, उसे लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन बैट का बाहरी किनारा लेते हुए कैच आउट हुए। अब आए हैं इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी कौसर खत्री और दोनों ही काफी अनुभव रखते हैं बल्लेबाज सुफियान सर जैसा कि वैभव 5-4 रन, कौसर खत्री एपीएल एटीसीपीएल खेलने का एक्सपीरियंस भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने और जो नेशनल वाड़ेगांव के एक्स्ट्रा प्लेयर है कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और काफी आसान मौका गंवा दिया यहां पे एहसान इलेवन ने और काफी नाराज नजर आते हुए जावेद अली सर और यहां पे तकरीबन जीरो पे दो विकेट नजर आते हैं यहां पे स्कोर बोर्ड पे। जब एक गेंदबाज बॉलिंग करता है मजर तो पूरा अपना दमखम झोंक देता है वहां पर जिस तरह से गेंदबाजी है और ये सिक्स एट का जो बॉल है सभी बैट्समैन उसके ऊपर हावी है क्योंकि बॉलर को यहां पर बहुत ज्यादा मार पड़ती है और यहीं पर उसका उदाहरण जो जावेद अली सर ने दिया यहां पर थोड़ा सा नाराजगी जताकर कि वो उनको पता है कि वैभव 5-4 की विकेट क्या महत्व रखती है। हाँ बिल्कुल सोफियान सर काफी अच्छे बल्लेबाज है दोनों ही, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। वैभव 5-4 तो बीपीएल 1 के मैन ऑफ द सीरीज रहे हुए हैं, वो बात भूलना नहीं चाहिए एहसान इलेवन को। काफी बड़ा विकेट होता है यहाँ पे, काफी अच्छा वहाँ पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस निभाते हैं वहाँ पर वैभव 5-4। इससे पहले सभी ने देखा उनको सीजन 1 के अंदर पहले बहुत आराम से यहाँ पर पहले पिच का मुआयना करते हैं, गेंदबाजी का मुआयना और उसके बाद में अच्छे हिटों में तब्दील कर देते हैं वहाँ पर गेंद को और वहां पर उनको पता है कि सामने जो जावेद अली सर है काफी तजुर्बेकार गेंदबाज वहां पर दोनों तरफ गेंद को लहराने में माहिर और उसका सम्मान देते हुए हल्का सा ढकेला जब तक उसे फील्ड करके फैजान थ्रो करे आसानी से एक रन मुकम्मल किया वहां पर। और यहां पर एहसान इलेवन की भी कैप्टन से मेरी गुजारिश उनके मैनेजमेंट से एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी ग्राउंड पर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। बहुत अच्छी गेंद वहां पर जावेद अली सर की। अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां पर अदनान द्वारा, खतरनाक नाम से यहां पर उन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छी गेंद वहां पर जब तक उसे फील्डर फील्ड करके थ्रो करे आसानी से मुकम्मल कर लेंगे वहां पर। एहसान इलेवन के अंदर काफी जाने माने नाम अदनान, जावेद अली सर, फैजान, सऊद, तौसीफ, जुनेद, आबिद। और इसी के साथ एक सफल ओवर का खात्मा यहां पर।
एक ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 3 रन और नेशनल वाड़ेगांव की तकरीबन मैचों में स्टार्ट ऐसी होती है फिर अंजाम तक आए तक काफ़ी वापसी हो जाती है, यानी ये चेन्नई सुपर किंग की तरह ही पूरी खेलती नज़र आ रही है मुझको। तो सोफियान सर बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पहले गेंदबाजी उनको मालूम है कि पहले सीनियर गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं तो उनसे पूरे अपने आप को सेट कर लेते हैं, कोई ख़तरा नहीं उठाते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको पता है कि एक ओवर के अंदर 6 गेंदों में कुछ गेंदें ख़राब भी आती है और बाद में बॉलर का कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसके ऊपर हिट करके अच्छी वापसी कर लेते हैं यहाँ पर। और अब शारिक खान, मोहम्मद शारिक टू कौसर खत्री, देख रहा हूँ क्या कर पाते अपने टीम के लिए दोनों ही प्लेयर। फिर से खेल दिया है लॉन्ग आर्म के ऊपर से उठा के सीधा 6 रनों के लिए गेंद को कौसर खत्री ने। गेंद जैसी उनके पाले में आती है सोफियान सर सीधा सीमा रेखा के बाहर ही मार बैठते हैं कौसर खत्री। नेशनल बाड़ीगों का ये एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है कि जो अच्छी हिटों के लिए जाना जाता है और इसीलिए तो आइकॉन है, क्योंकि उनमें जो काबिलियत है वो क्षमता है कि वो गेंद को कोई भी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं और इस 6 रन की मदद से काफी अच्छा शॉट था वहां पर लॉन्ग ऑफ की जानी पर और महज कोई खिलाड़ी के पास तक नहीं पहुंची और गेंद सीधा दर्शकों में। कोहिनूर 6 लगता हुआ यहां पर कौसर की बैट से इस टूर्नामेंट का मैनेजमेंट कमेटी तौसीफ अरशद इकबाल राजा और म्यूनिसिपल काउंसिलर अकरम भाई मोहम्मद भाई ये सभी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में और यहाँ पर अलसना से हमारे अमीन भाई भी तशरीफ़ लगते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ इस कोहिनूर पार्क ग्राउंड पर और मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। शारी किस्वर में अगली बार कौसर खत्री के लिए अच्छी गेंद, उसे फाइन खेला वहाँ पर जब तक कि उसे मिड विकेट का फील्डर आकर फील्ड करे आसानी से 2 रन मुकम्मल कर लेंगे, काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट 2 रन से नहीं रोक पाए और इस 2 रन की मदद से स्कोर 11 रन। और जैसा कि शुरुआत मिली थी धीमी उसको संभालते हुए कौसर खत्री, दोनों ये काबिलियत रखते हैं नेशनल बालिगों की ओर से कि एक बड़े स्कोर में तब्दील करना जानते हैं, ये वो क्षमता है इन दोनों में। लेकिन उनके सामने शारिक राइट अमोर द विकेट अच्छी गेंद वहाँ पर घूमकर उसे थर्ड मैन की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन एन वक्त पे अपना इरादा बदला, चतुराई भरी गेंद थी वहाँ पर, उम्मीद कर रहे थे वहाँ पर कौसर खत्री के थोड़ी फास्ट होगी लेकिन स्लोअर वन गेंद वहाँ पर और मैं समझता हूँ कि काफ़ी यहाँ पर वेरिएशन है शारिक की गेंद में जिसका पूरा फायदा उठाते हुए। और यहाँ पर बहुत अच्छी गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लगा वहाँ पर जावेद अली सर से दूर रही, बाकी का काम किया यहाँ पर स्लिप के अंदर खड़े हुए आबिद ने, गेंद फैजान द्वारा होते हुए शारिक के पास में, काफ़ी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी का मुजाहरा। पहली गेंद पे यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की जानी पर 6 लगाया था कौसर खत्री ने लेकिन उसके बाद की गेंदों पर काफ़ी अच्छी वापसी शारिक द्वारा और यही क्षमता रखते हैं यहाँ पर शारिक, वापसी करना जानते हैं लेकिन उनके सामने कौसर खत्री, देखना है अगले बारी में। और यहाँ पर फैजान उसे फील्ड करे, मैं समझता हूँ क्रीज में दोनों ही मौजूद, वहाँ पर कोई रन नहीं लिया, जानते थे कि गेंद बहुत ज़्यादा स्पीडली वहाँ पर फैजान के पास में, यह लेफ्ट आर्म उनका अच्छी थ्रो के लिए जाने जाते हैं वहाँ पर फैजान। और यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए काफ़ी धीरे धीरे पब्लिक बढ़ती हुई और कौसर खत्री का कब से फाइन खेला हुआ शॉट, गेंद यकीनन रूप से वहाँ पर फाइन लिख के डीप स्कोर लिख की जानी 4 रन के लिए और इस 4 रन की मदद से स्कोर 15 रन हो चुका है। और यहाँ पर क्रिकेट से इतना ताल्लुक है लोगों का, दर्शकों का, कि जो सारे काम को छोड़कर अपनी दुकानों को बंद रखकर, और एक इम्पॉर्टेंट सीजन चल रहा है यहाँ पर सोयाबीन का, उस सीजन को छोड़ते हुए यहाँ पर सोनू इस ग्राउंड पर मौजूद मैच देखने के लिए
उनका भी बीपीएल कमेटी की तरफ से स्वागत। हमारे बीच अलसना के जाने माने अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमीन भाई मौजूद है, काफ़ी दिनों से हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहे हैं, क्रिकेट को चाहते हैं, उस चाहत की वजह से 8 दिन से यही मुकाम है, कयाम है और ताम भी है उनका यहीं पर, तो काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे साथ इस ग्राउंड के लिए, मैचेस के लिए काफ़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस कमेंट्री बॉक्स में आकर सुफियान सर का साथ दे और अपने अच्छे अच्छे जुमलों से इस कमेंट्री को, इस कमेंट्री बॉक्स को, इस मैच को सवारे। अमीन भाई अलसना से तशरीफ लाए हैं और यहाँ पर कैच मिस होता हुआ उनके हाथ से लगकर, जब पहले एक रन आउट मिस हुआ था वैभव का, इस बार कैच मिस की है और कैच मिस की है आइकॉनिक खिलाड़ी जावेद अली सर ने। बहुत गुस्सा था पहली ओवर में जब रन आउट छूटा था और अब अपने आप से नाराज है क्योंकि सूरज शायद आंखों पर था और बड़े मुश्किल होते हैं ऐसे कैचेज पकड़ना। वैभव का आज दूसरी मरतबा ये चांस मिला है और यहाँ पर हमारे अमीन भाई अलसना मित्र मंडल के अध्यक्ष अमीन भाई हमारे बीच में मौजूद, उनका बीपीएल कमेटी की ओर से स्वागत और आगे की आगे का आंखों दिखाल सुनाएंगे हमारे मजर भाई और अमीन भाई। और काफी अच्छा खेला है कवर की दिशा में शॉट को वैभव पाचपोर ने, जब तक फील्ड करते आसानी से एक रन दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिया। तीसरे ओवर का खेल जारी है जिसे करा रहे आबिद और काफ़ी सदी हुई शुरुआत कहे जाएगा इसे एहसान इलेवन की और नेशनल सुपर किंग जानी जाती है ऐसी शुरुआत के लिए मगर अंजाम तक पहुंचाना भी जानती है। फिर हल्के हाथों से खेल के एक रन ले लिया आसानी से, पहला रन काफ़ी तेज दौड़ा है, दूसरे रन के लिए कोशिश की है, दोनों रन चुरा लिए आसानी से फील्डर के ऊपर प्रेशर बना के यहाँ पे सुफियान सर। अमीन भाई शुक्रिया, प्रीमियर बालापुर प्रीमियर लीग की ओर से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे राजे भैया काफ़ी अच्छी मेहनत यहाँ पर की है, उन्होंने निवेदन बहुत बढ़िया बनाया है। फिर से एक बार राइट एंड वर्ड द विकेट, रिवर्सिप खेलना चाहते थे और वहाँ पर क्या ड्रॉप, काफ़ी नुकसान पड़ सकता था यहाँ पर। कौशल खत्री काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी है, बहुत बड़ा झटका लगता था यहाँ पर नेशनल क्रिकेट क्लब को। काफ़ी अगर ये कैच पकड़ते हैं एहसान क्रिकेट क्लब, देखना चाहिए अभी कौशल कितने रन बटोर पाएंगे इस ओवर में। बहुत बड़ा योगदान मिला उन्हें यहाँ पर, हल्के हाथों से खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक फील्डर फील्ड करे आसानी से एक रन चुरा लिया है और अगर ऐसे कैच छोड़िए तो एहसान इलेवन को मुश्किलों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है आगे के ओवरों में, ये ध्यान रखना होगा एहसान इलेवन को। कौशल खत्री आइकॉन खिलाड़ी है, वैभव पाचपोर टॉप 10 के ऑलराउंडर है और जो कि पहले सीजन में बीपीएल 1 में मैन ऑफ द सीरीज रहे हुए वैभव पाचपोर, और कौशल खत्री से तो आप सभी वाकिफ है और देखना होगा आप कैसी वापसी करते हैं नेशनल सुपर किंग के बल्लेबाज, जीवन दान मिल चुके हैं इनको और बीपीएल 2 काफ़ी अच्छा रोमांचक होता हुआ। और ऑर्गेनाइज़र कमेटी तौसीफ भाई, राजा सर, अरशद इकबाल और म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद अकरम, काफ़ी अच्छा आयोजन किया इन्होंने इस टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट के माध्यम से टेनिस का क्रिकेट जिंदा हुआ है मैं तो कहता हूँ। और चौथे ओवर का खेल जारी है जिसे करा रहे हैं शारिक और स्कोर तौसीफ सॉरी 3 ओवर 19 रन। चौथे ओवर का खेल लेके आया तौसीफ जो पारस से बिलोंग रखते हैं, टॉप 10 ऑलराउंडर की लिस्ट के बॉलर है ये भी। और कौशल ने खेलना चाहता है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, देखना होगा फैजान में पहुंच पाते नहीं, फिर से कैच मिस हुआ और सीधा गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मैं ये कहूंगा कि कौशल खत्री काफी आइकॉन खिलाड़ी है और बहुत बढ़िया लंबे लंबे हिटर लगाती है, इसके ऊपर क्या कहना है मजर भाई आपका कौशल खत्री के बारे में? ये तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं अमीन भाई, काफी खतरनाक बल्लेबाज है, आइकॉन है
और काफी बड़े बड़े हिट लगाते हैं। अभी पातुर में परसों सीरीज हुई थी, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कंटिन्यू 5 छक्के लगाए थे एक ओवर में कौशर खत्री ने। काफी खतरनाक बल्लेबाज है, बॉलर को अपना संभल के बॉल गेंदबाजी करना पड़ता है अमीन भाई कौशर खत्री के सामने। बहुत ही बढ़िया प्लेयर, जितनी तारीफ की उतनी कम है कौशर खत्री की। कौशर खत्री जब तक क्रीज पे काफी रन बन पाओगे। बिल्कुल, यहाँ पे कौशर खत्री है, जब तक जो नामुमकिन लग रहा है सब मुमकिन हो जाएगा। कौशर खत्री और वैभव पाचपोर, और अगर ये दोनों विकेट चल जाती है तो फिर जो मुमकिन लग रहा है वो नामुमकिन हो जाएगा। काफी हड़बड़ाहट में यहाँ पर दोनों ही, कौशर खत्री और वैभव पाचपोर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में, जिसके कारण वहाँ पर एक रन का नुकसान हुआ। पर कौशर खत्री दो रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया था वैभव पाचपोर ने। इस ओवर में तौसीफ और वैभव पाचपोर, उसके नीचे जुनेद, देखना है अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पर जुनेद द्वारा। काफ़ी देर के बाद में यहाँ पर एहसान इलेवन में नजर आए वहाँ पर जुनेद, आज उनकी वापसी हुई है। और जुनेद रिप्लेसमेंट खिलाड़ी है एहसान इलेवन के, शरद कामले जो प्लेयर कुछ रीज़न है दवा खाने का, इस वजह से आ नहीं पा रहा, इस वजह से उनको रिप्लेसमेंट जुनेद को दिया गया है। वैसे ही परवीन बेंडवाल भी इधर से मिले टॉप 10 मुन्ना आज़ाद की जगह पे नेशनल वाड़ेगांव को। और वहाँ पर कौशर खत्री खेलना चाहते थे उसे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बड़ा प्रॉपर बैट पर नहीं आई, जिसका वहाँ पर शॉट को बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए। एक ही रन से वहाँ पर इत्मीनान रखना होगा कौशर खत्री को। अब धीरे धीरे यहाँ पर स्कोर प्रगति पर फिर से आसान कैच छोड़ दिया यहाँ पे वैभव पाचपोर का जावेद अली सर ने, और ऐसा लग रहा है नेशनल सुपर किंग के साथ पूरा लक फेवर हो रहा है आज। अगर ऐसी लक फेवर होते रहा तो कुछ भी हो सकता है। इससे पहले मैच में मैंने देखा था कि हथरुन के खिलाड़ी है अरबाज, जिनकी मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा बैट्समैन होगा जिसकी इतनी कैचेस छूटी थी, काफ़ी कैचेस मिस हुई थी उनकी। और अब यहाँ पर कुछ वैभव के साथ में भी ऐसे ही होता हुआ। और यहाँ पर हमारे बीच में वाजिद भाई, इमरान भाई, दानिया लेलेवन के ओनर, वसीम राजा भाई, वो भी इस मैच का आनंद लेते हुए, आकिब, मोहम्मद भाई, राजा, सोनू और साथ ही मेरे कमेंटेटर्स मजहर और आरजे ओम, जिन्हें हमारे मोहम्मद भाई ने आकाश चोपड़ा के नाम से सम्मानित किया है। 3 ओवर 5 बॉल 27 रन, अभी भी इसको रोका हुआ। बॉल में कुछ खराबी थी कि अंपायर ये वापस आया तो अच्छा डिसीजन अंपायर से पूछ कर ही ली गेंद का। और थोड़ा एम्पायर भी ध्यान दे गेंदों का, जहाँ ज़रूरत है वहीं गेंद बुला के बल्लेबाजों को अवेलेबल कराई जाए। और हमारे बीच में यहाँ पर एक काफ़ी जाने माने स्कोरर नातिक मौजूद, जिसे आपने आरजी ओम को कमेंट्री के लिए द वॉइस ऑफ विदर्भ उनके नाम से यहाँ पर ये मशहूर है। उसी तरीके से बालापुर के भी एक स्कोरर है नातिक, जो कि काफ़ी अच्छी स्कोरिंग करते हैं। हल्के हाथों से खेल के एक रन चुरा लिया फिर से कौशर ने। काफी स्लो यहां पर स्कोर चलता हुआ, 4 ओवर का खात्मा हो चुका है, 28 रन हुए हैं। और अभी तक के का आपका आंखों देखा सुना रहे थे मजहर खान, और अब आगे की कमेंट्री के लिए, आगे का लाइव प्रसारण यहाँ पर आपके सामने पेश करने के लिए
मेरे साथी कमेंटेटर्स आरजे ओम। शुक्रिया सुफियान सर, हमारे साथ सुफियान सर भी बने रहेंगे कॉम बॉक्स में। दर्शकों फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं ज़ख्वान राइडर्स प्रेजेंट बालापुर प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये घमासान। इस टूर्नामेंट के माध्यम से आज का ये महत्वपूर्ण दिन, डू ऑर डाई मुकाबला दोनों ही टीमें के लिए। संघर्षाचार्य है मोहम्मद कौसर, मैन इन फॉर्म, फुल टॉस बॉल, टाइम नहीं कर पाए ठीक तरह से। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी हालांकि मौजूद, एक रन दूसरे की कोशिश है और दो रन आसानी के साथ पूरे है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या कहेंगे सुफियान सर, जिस तरह से रनों की भूख दिखाई देती हुई कौशल खत्री। पिछले दो सीजन अच्छा नहीं गए थे लेकिन उसके बाद इस खिलाड़ी का कमबैक देखने जैसा है। बिल्कुल सही कि ये जो खिलाड़ी है क्षमता रखता है बड़े बड़े हिट को मारने के अंदर, एक लंबी इनिंग खेलने के लिए माहिर वहाँ पर कौशल खत्री, इसी के लिए तो यहाँ पर उन्हें आइकॉन के रूप में सिलेक्ट किया है और वही भूमिका निभाते हुए, लेकिन कुछ देर से जूझ रहे हैं, कोई बड़ी शॉट उनके बैट से नहीं आ रही है। और मैंने कहा ही था और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, आधा दर्जन रन के लिए यहाँ पर आरजे ओम। निश्चित रूप से जैसे देखा स्लॉट में गेंद थी, एक्शन रिप्ले एमके स्पोर्ट के माध्यम से स्क्रीन पर होगा और देख सकते हैं आप, जैसे स्लॉट में गेंद थी सीधा भेज दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन ऊपर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये कौशल का पावर है और कौशल जब मारता है कसकर मारता है। बिल्कुल सही कि जिस तरह से पावर जनरेट करते हैं वहां पर कौशल, लगता नहीं है उनको देख कर के इतने लंबे लंबे शॉट लगा सकते हैं, लेकिन वो बैट्समैन की क्लास है। बोलना चाहूंगा सुफियान सर कि अभी भी वह लय में नहीं है जिस लय में इस खिलाड़ी को मैंने खेलते हुए देखा है। निश्चित रूप से पुनः कमबैक कर रहे हैं और अच्छे रन बना रहे हैं। बैकफुट से जाकर कट करने की कोशिश है, खिलाड़ी मौजूद एक्स्ट्रा कवर की जानिब, एक रन आएगा, स्ट्राइक रोटेट होगी। और देखिए ना सुफियान सर अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, छक्का लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करना ही खिलाड़ी जानता है। बिल्कुल सही कि जिस तरह से ये गेम खेलते हैं उनको पता है कि एक बड़ी हिट आ चुकी है वहां पर, अब स्ट्राइक रोटेट करके जो अपने सामने वाला खिलाड़ी है वो भी एक महारत रखता है, तो इस तरह से स्ट्राइक पर लेकर आया वहां पर वैभव पाचपर को। लेकिन मैं समझता हूं कि 2-3 जीवन दान में अच्छी लाइफलाइन मिली है वहां पर वैभव पाचपर को, अब किस तरह से उसका फायदा उठा पाते हैं। इस बार भी टाउन दी ग्राउंड ओवर द बॉलर हेड और तीर भी शर्मा जाए, इतना सीधा ये शॉट है, गेंद बाउंड लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। यही होता है फायदा वहां पर स्ट्राइक रोटेट करने का कि एक अच्छी शॉट आ गई है वहां पर, उसके बाद में अच्छी वापसी वहां पर शारिक द्वारा, लेकिन एक हल्का से ग्लांस करके वहां पर कवर की जानिब जुनेद के पास में एक रन मुकम्मल किया था और उसके बाद में वैभव पाचपर, और वैभव पाचपर ने डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव काफी अच्छी वहां पर गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन पिछली गेंद पर, बैकफुट से एक बार दूर से खेल बैठे है, गेंद काफी देर तक हवा में, सौ गेंद के नीचे, कैच चिटका है और दिल टूटा है, कैच छूटा दिल टूटा, इसी के साथ गेंदबाज भी रूठा। और वैभव पाचपर ऐसा लाइफ लाइन इतनी सारी लेकर आई है कि गोया वहां पर केबीसी के अंदर भी इतनी लाइफ लाइन नहीं रहती है जितनी यहां पर लाइफ लाइन यहां पर वैभव पाचपर को मिलती हुई। निश्चित रूप से किस्मत साथ दे रही है लेकिन हर बार किस्मत साथ दे जाए यह तो हम कह नहीं सकते, अब मेहनत का खेल दिखाना होगा वैभव को। काफी लाइफ लाइन मिल चुकी है, कौशल सामने है, ओ इस बार भी स्ट्राइक कर बैठे है, काफी देर तक गेंद हवा में, दो खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या पकड़ेंगे कैच, और इस बार नहीं है कोई गलती, शारिक ने आखिरकार कौशल का ये कमाल पारी समाप्त की है। बड़े विकेट का पतन, नेशनल सुपर किंग्स का सेनापति मैदान के बाहर जा रहा है। और यहाँ पर एक आसान आसान कैचेस छोड़े हैं लेकिन एक काफी अच्छी कैच वहां पर, बहुत मुश्किल होता है आरजीओ में ऐसे कैचेस को पकड़ना है क्योंकि इतनी आसमान से ऊपर से गेंद आ रही हो और काफी डिस्टेंस से तय कर वहां पर कैच लेना हो तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा गैदर किया वहां पर। निश्चित रूप से मोहसिन वहां मौजूद थे, आसान सा कैच लपका और देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं था, काफी देर तक गेंद हवा में थी, गेंद के नीचे आना था, निगाहें बनी रहनी चाहिए थी और आखिर तक निगाहें बनाई, इसी के कारण इस कैच को पूरा कर पाए मोहसिन। और इसी बात क्रिकेट के अंदर एक कहावत है कि कैचेस विन मैचेस, और वही यहाँ पर लेकिन कुछ देर से ऐसे लग रहा था कि एहसान इलेवन गोया हाथ में उनकी गेंद आ ही नहीं रही हो, निकल जा रही हो। पकड़ो कैच, जीतो में आज एक क्रिकेट का समीकरण है। सुबह एक अच्छा कैच लपका है मोहसिन ने, सुबह की ये मैचेस है और सब फ्रेश माइंड से और फ्रेश होकर यहाँ पर आए गोया, ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वो नहाकर आए अभी जो भी उनकी सोप होगी या शैम्पू वगैरह उनका असर अभी तक मेरे को उनके हाथों में लग रहा था फील्डरों के, क्योंकि गेंद काफी चिटक जा रही थी उनकी। 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति,
18 गेंदे शेष इनिंग की। नए बल्लेबाज आते हुए प्रवीण। प्रवीण आज पहला मुकाबला खेलेंगे इस टूर्नामेंट के माध्यम से। आसाद मुन्ना, इनको मिस करेंगे हम नेशनल सुपर जीत के लिए। एक होनहार खिलाड़ी थे आजाद, लेकिन इस टूर्नामेंट से उन्होंने आजादी ली है। जावेद अली सर अपनी ओर से दूसरा और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर, और उसके नीचे जुनेद, देखना है कैच हो पाती है नहीं, और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर यहां पर कैच। जावेद अली सर ने गोया, जैसे ही कैच आसमान में उठी थी जावेद अली सर ने सर पे हाथ लगा लिया था कि क्या हो सकता है, लेकिन वहां पर मैं समझता हूं कि जुनेद ने सेकंड अटेम्प्ट में यहां पर कैच कर लिया, और एक मैं समझता हूं बड़ी इनिंग का यहां पर खात्मा नहीं हुआ। काफी लाइफ लाइन के बाद में यहां पर फिर भी वैभव पाजपुर पवेलियन में वापस, इतनी लाइफ लाइन मिली थी उन्हें लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर वैभव पाजपुर। जुनेद ने यहां पर काफी अच्छी कैच लिया, वैभव पाजपुर 9 रन बनाकर पवेलियन में वापस। 42 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी है, 3 विकेट उनके डगआउट में जा चुके हैं, और एक सीनियर और सफल गेंदबाज यहां पर जावेद अली सर अपनी शुरुआती इनिंग में, इनिंग की शुरुआत में उन्होंने पहली गेंद पर, अब यहां पर आए हैं नवेद, रेहान आए मत बल्लेबाज के लिए। एक और लेफ्ट हैंड तगड़ा बल्लेबाज जो जाने जाता है बड़े बड़े हिटों के लिए, साथ देखे जा सकते हैं प्रवीण। खेल में तब्दीली करते हुए जावेद अली सीनियर गेंदबाज है, पहली गेंद पर बड़ा विकेट चटका है, वैभव पाजपुर को चलता किया। इस बार देखिए दूर से बल्ला घुमाया था, काफी अच्छा ड्राइव, खिलाड़ी के डीप कवर क्षेत्र में मौजूद रहेंगे विक्रांत, और एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ अपने पारी का आगाज किया है रिहान ने, रन संख्या 43। जिस तरह से देखा जाए सुभियान सर, चांस मिले लेकिन उस चांस पर डांस नहीं कर पाए वैभव। बिल्कुल सही कि जिस तरह से लाइफ लाइनें मिलती गई थी वैभव पाजपुर को, और वो क्षमता भी रखते थे बड़े बड़े हिट लगाने की, लेकिन गेंदबाजी मैं समझता हूँ कि फील्डिंग जरूर खराब हुई है, लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने बैट्समैन को और खासतौर से वैभव पाजपुर को। कौशल खत्री की इनिंग छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज अच्छे रन नहीं बना पाया है। इस बार आड़े बल्ले से शॉट को अंजाम दिया है, डीप मिड विकेट पर फिर से एक बार विक्रांत गेंद के पीछे है, और आसान सा फील्डिंग उनके लिए, एक ही रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंचे 44 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की समाप्ति। पहली गेंद पर विकेट चटकने में फिर से एक बार जावेद अली कामयाब हुए थे। दर्शकों आप सभी का स्वागत है जकवान राइडर्स प्रेजेंट बीपीएल 2 में। इस बार आड़े बल्ले से घुमाना चाहते थे गेंद को, वो देखा जाए तो इतनी आसानी से गेंद बल्ले पर आने नहीं देंगे जावेद अली। बहुत तजुर्बा रखते हैं जावेद अली सर गेंदबाजी में, उनके पास में वो काबिलियत है कि दोनों तरफ लहराने में यहाँ पर कामयाब होते हैं, और वही तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हैं उनके सामने जो जूनियर खिलाड़ी रेहान मौजूद है, और वो जानते हैं कि किस तरह से उनको गेंदबाजी करना है जावेद अली सर। और बहुत खूबसूरत गेंद चकमा देती हुई, बाकी का काम किया विकेट कीपर अदनान ने, काफ़ी चतुराई भरी गेंदबाजी यहाँ पर जावेद अली सर द्वारा। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, अब तक इस ओवर से आए हैं महज 2 रन, एक बड़ी सफलता पिछले ओवर में कौशल खत्री को शारी के उन्होंने चलता किया, अब जावेद अली ने वैभव का काम तमाम किया, अब नेशनल सुपर किंग्स ए टीम दिक्कत में है। इस बार भी प्लम कर बैठे थे, अपील कर रहे हैं लेकिन लेग बिफोर नहीं है, ये जाती हुई डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में 2 रन आसानी के साथ लेग पास के रूप में मिलते हुए, और भूल बैठे थे बल्लेबाज गेंदबाज जावेद अली, लेग बिफोर की अपील कर बैठे, उनको लगा कि हम शायद एपीएल खेल रहे हैं। और यहाँ पर इस सीजन 2 के अंदर लेग बिफोर नहीं है जावेद अली सर, और जावेद अली सर को मैं बता दूं कि ये अकोला नहीं है, बालापुर है, यहाँ पर लेग बिफोर नहीं है। और जिस तरह से आरजे ओम मैच चल रही है, डू आई डाई सिचुएशन है, करो या मरो, लेकिन उसके बाद में काफ़ी बैकफुट पर आ गई है नेशनल बाड़ेगांव, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और सिर्फ स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 46 रन है, क्या कहेंगे आप? कौशल खत्री आउट हुए, उसके बाद वैभव पासपुर आउट हुए, और रनों का सिलसिला थम सा गया है, और काबिले तारीफ गेंदबाजी कहीं नहीं होगी। शारिक ने फिर से एक बार बार मौके बनाए टीम के लिए,
कौशल खत्री को चलता किया। जैसे गेंदबाजी पर जावेद अली आए, वैभव पासपुर का खेल तमाम किया और इसी के बाद इस टीम ने कमबैक किया है। और अब जाकर ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो यहाँ से अब 80 के पार लेके जाए टीम को, क्योंकि 12 गेंदे लगभग बची है। अगर 80 के पार पहुंचाते टीम को तो एक लड़ने जैसा सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा। लड़ने जैसा स्कोर चाहिए तो यहाँ पर दिपेश भारती जैसी बैटिंग करनी होगी, कि इससे पहले आरजे ओम उन्होंने 12 गेंदों में जिस तरह से बैटिंग की थी, कुछ इसी तरीके की बैटिंग की जरूरत यहाँ पर, एक विशाल स्कोर खड़ा करना है अगर नेशनल बालिगों को। तो निश्चित रूप से आबिद अली आते हुए गेंदबाज निकले है, एक होनहार गेंदबाज है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और शेगांव के काफी खिलाड़ी है जिन्होंने इम्प्रेस किया इस प्रतियोगिता के माध्यम से, उसमें से एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी आबिद, सामने हो गए बल्लेबाज प्रवीण। पहली बॉल आड़े बल्ले से, गेंद हवाई सफर में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विक्रांत अक्सर नहीं करते है गलती और विक्रांत का एक और विक्रम है, अच्छा कैच लपका है। तीसरे एक और विकेट का पतन होता हुआ, चौथे विकेट का पतन, नेशनल वाड़ेगांव की दिक्कतों में होती हुई बढ़ोतरी। यहां से अब गेंदबाजी यूनिट काफी सर चढ़कर बोल रहे हैं ईशान इलेवन की। और इस ग्राउंड पर काफी अच्छे अच्छे कैचेस देखने को मिले हैं, जैसे जो लॉन्ग ऑन का क्षेत्र है, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, तो यहाँ पर संतोष हो गए, अस्पर बाबा, विक्रांत, अरबाज, आकिब, काफी माहिर फील्डर है यहाँ पर जो कि काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं और कैचेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। उनमें से उदाहरण देते हुए यहाँ पर विक्रांत, उन टॉप फील्डरों की लिस्ट के अंदर विक्रांत भी शामिल, क्योंकि मैंने उन्हें गलती करते हुए नहीं देखा अभी तक। निश्चित रूप से शुभम दाने का नाम मुझे याद आता है, जिस तरह से इस खिलाड़ी ने भी लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर फील्डिंग की है। अरबाज का नाम सबसे ऊपर मैं रखूंगा, क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसा है जब गेंद उनके सामने होती है मुश्किल होता है गेंद उनके पीछे जाना, इस बार भी ये पुल करना चाहते थे कि शॉर्ट फाइनल पर खिलाड़ी मौजूद। और मैन इन फॉर्म कैप्टन आ चुके हैं असलम, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, पूरा बालापुर जानता है कि आखिरी गेंद पर वहां पर 5 रन चाहिए थे जबकि 6 रन को भी तब्दील किया था। अनोखा रिकॉर्ड असलम इनके नाम है, एक गेंद पर 6 रन मारने का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम है। पिछले दोनों मुकाबले में छक्के और चौके के साथ अपनी पारी का आगाज करके ये खिलाड़ी यहाँ पे आए, मतलब उसके पहले मुकाबले में 4 रन से शुरुआत की थी, उसके बाद वाले मुकाबले में 6 रन के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। ये ऐसा खिलाड़ी है बड़े हिटों में डील करता है। इस बार स्लॉट में खोद कर निकाला, ठिकाने गेंद थी लेकिन ठिकाने लगा दिया, गेंदबाज बल्लेबाज का नाम है रेहान। कुछ इसी तरीके की शॉटों की जरूरत है यहाँ पर अगर एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो, और सामने वही करते हुए रेहान। और मैं समझता हूँ कि असलम भी वो क्षमता रखते हैं कि गेंद को आधा डजन के लिए भेजने में महारत हासिल रखते हैं वहां पर असलम। और इसी के साथ 50 के पार जाती हुई रन संख्या नेशनल सुपर किंग्स की, 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर रेहान अहमद के बल्ले से यह आसमानी हमला। और गेंदबाज आबिद अब थोड़े से प्रेशर में होंगे, रेहान अहमद काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास और काबिलियत को यहाँ पे पेश करना होगा, खुद को सिद्ध करिए अपने आप प्रसिद्ध होंगे, और प्रसिद्ध होने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए ये लड़ाई है, यह क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट का मंच है, सुनहरा अवसर बीपीएल के माध्यम से। इस बार भी आड़े बल्ले से ऑफ्टॉप के बाहर की गेंद, ऑन साइड क्षेत्र के दायरे में खेल दिया है, वाइड डीप विकेट पर दूसरे रन की कोशिश और मिल जाएंगे, अच्छी रनिंग विद विकेट फिर से एक बार। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा वहां पर रेहान द्वारा और ओम सर काफी प्रभावित किया है यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैनों ने, खासतौर से रेहान, सोहेल, अस्पर बाबा, जिस तरह से यहाँ पर कॉम्बिनेशन राइट का होता है वहां पर लेफ्ट हैंड ने भी काफी लंबे लंबे हिट लगाए हैं यहाँ पर। इस बार ऑफ स्टंप कर चल के बाहर आए थे लेकिन व्हाइट का कॉल रहेगा, काफी ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, इसी के कारण पनिश किया अंपायर ने। रन संख्या 56 रन 56, अभी भी 2 गेंदें बची इस ओवर की। इस बार भी ये वाइड रहेगी, एक्स्ट्रा रन छुड़ेगा खाते में और सुप्रिया सर हर वो एक्स्ट्रा रन जब आप चेस करेंगे ना तब दिक्कत में ला सकता है। बिल्कुल सही, कि सुबह मॉर्निंग के मैसेज जितने भी हो रहे हैं इस ग्राउंड पर काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस है, काफ़ी अच्छे मैचेस होते हैं और यहाँ पर काफ़ी एक्स्ट्रा देते हुए आबिद, और मैं समझता हूँ परेशानी हो सकती है इसके अंदर एहसान इलेवन को। दो गेंदे शेष है,
इस बार डाउन दी ग्राउंड, वाओ क्या शॉट था, और गेंद अब वन बाउंस लॉन्ग ऑफ के फील्डर मोहसिन के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, एक कड़ा प्रहार मिले है रन चार। और यहां पर सिर्फ 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन 12वें खिलाड़ी ने काफी अच्छी फील्डिंग की यहां पर अली वॉरियर्स के ओनर मजहर खान ने। और मजहर भाई जाने जाते हैं, कल अगर वो ओवर नहीं करते तो निश्चित रूप से क्या टीम क्वालिफाई होती, कल का वो ओवर एक साल सताएगा मजहर खान इनको। बिल्कुल सही कहा आपने, वो खुद अपने आप में नाराज होंगे कि मैं अगर नई ओवर डालता तो शायद मेरी टीम कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती। एक टीम के ओनर के साथ दूसरी टीम के ओनर बात कर रहे हैं, मोहम्मद मौलाना इनके साथ मजहर खान बात कर रहे हैं, और आप मोहम्मद मौलाना बता रहे होंगे आपसे गलती कहा हुई। बिल्कुल सही, क्योंकि मोहम्मद मौलाना कि उनको हक बनता है, मतलब उनको डिसीजन मतलब कुछ गाइडेंस करने का, क्योंकि उनकी टीम जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है काफी काबिले तारीफ। और दर्शकों को बता दीजिए यूट्यूब लाइव के माध्यम से हमें दर्शक जुड़े हैं, अगर ये मुकाबले में कौन जीतेगा ऐसा सवाल है यूट्यूब माध्यम से, आपको जाना है और आपकी पसंदीदा टीम को वोट करना है। अभी दोनों ही टीमों के हित में बराबर वोट है, 50-50% दोनों ही दरमियान दर्शक बने हुए हैं। इस बार भी ब्लॉक होल में गेंद थी, खोद कर निकला डीप मिड विकेट क्षेत्र को टारगेट करते हुए बल्लेबाज, एक ही रन आएगा, दूसरे की कोशिश होगी और ये दूसरे रन की कोशिश है, मिल जाता हुआ दूसरा रन। और देखिए जहां पे एक रन था दूसरा रन आसानी के साथ मिलता हुआ, थोड़े से नाराज है कप्तान जावेद अली, रन संख्या 7 और 50 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 63 रन। इस ओवर में अच्छी वापसी, वहां पर काफी अच्छी बैटिंग की वहां पर रेहान ने, काफी महंगे साबित होते हुए आबिद काफी रन खर्च किए उन्होंने इसके इस ओवर के अंदर। आबिद ने लगभग इसमें 14 रन खर्च किए। वहां पर और अच्छी वापसी वहां पर नेशनल बालीगांव की रेहान और असलम, जिस तरह से दोनों क्रीज पे मौजूद है मैं समझता हूँ कि बची हुई 63 रन हो चुके हैं, लॉस ऑफ 4 विकेट, 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। निश्चित रूप से 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदे 63 रन 63 सॉरी सत्रह रन आए थे आबिद अली आबिद सर के ओवर में। शेख आबिद जो कि शेखों से ताल्लुक रखते हैं, काफी महंगा ओवर साबित हुआ था उनका, और अच्छी बैटिंग वहां पर रेहान द्वारा, दो बड़ी हिट लगाने में कामयाब हुए थे। इस इनिंग का लास्ट ओवर लेकर तौसीफ, और अच्छी गेंद वहां पर बैट का अंदरूनी किनारा, गेंद वहीं पर रुकी, बाकी का काम किया विकेट कीपर जावेद अली सर ने। और अभी देखना है बची हुई 5 गेंदों में कितने रन बना पाएगी वहां पर, जबकि खुद कप्तान क्रीज पे मौजूद है और जाने जाते हैं लंबे हिटों के लिए वहां पर। अगर आप फ्लाई स्लिप पर और लेग गली में अगर गेंद को स्टॉप नहीं करते हैं तो वहां पे आउटफील्ड काफी तेज है, बहुत आउटफील्ड तेज है वहां पर, अगर थोड़ा सा भी अगर मिस होते हैं तो यकीन रूप से 4 रन का नुकसान उठाना पड़ता है वहां पर सामने वाली टीम को, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ज्यादा तेज है और पहले सीजन के मुकाबले में काफी मेहनत की है यहां पर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है उन्होंने, कि पहले आपने देखा होगा सीजन 1 के अंदर आप भी मौजूद थे कि गेंद जहां पर टप्पा खाती थी वहीं पर रुक जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आउटफील्ड इतनी तेज है कि अगर गैप में है तो कोई मौका नहीं उसे किसी फील्डर के पास में उसे रोकने के लिए, और सीमा रेखा के बाहर पहुंच जाती है गेंद। निश्चित रूप से चलिए एक बार गेंद पास तैयार है, ओ इस बार भी लगभग पीट किया था बल्लेबाज रेहान को तौसीफ ने, काफी तारीफ गेंदबाजी तौसीफ की इस मुकाबले में, क्या ही कहने इस खिलाड़ी के, आखिरी ओवर में अब तक महज 2 रन खर्च किए हैं और 5 कर रखा है बल्लेबाजों को, खास करके रेहान अहमद जिन्होंने पिछले ओवर में अच्छा छक्का चढ़ा था, असलम जो जाने जाते बड़े हिटों के लिए, उन दोनों खिलाड़ियों को खामोश रखा है।
वेरिएशन है इस गेंदबाज के अंदर, सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। उन्हें पता है कि लास्ट ओवर चल रहा है, बड़ी बड़ी हिट मारना चाहेंगे यहाँ पर बैट्समैन, लेकिन माइंड को पढ़ा उनके कि किस तरह से खेलना चाहेंगे और वहाँ पर स्लो रख दी गेंद को, और जिसका नुकसान उन्हें फायदा मिला उन्हें, और रेहान उसे बड़े शॉट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इस बार चढ़ में गिनती, क्या गेंदबाजी है, क्या ही कहने इस खिलाड़ी के। अपील इसमें लेकिन विश्वास का मुत्सा ज्यादा था, और यहाँ पर काफी तजुर्बेकार दोनों ही अंपायर भोसले सर और बोंदले सर। तजुर्बा है गेंदबाजी का तौसिफ के पास पे, और सामने तजुर्बेदार बल्लेबाज भी है असलम शाह। यह द्वंद्व अच्छा रहेगा, बैटल अच्छा है, राइवलरी चल रही है इस मुकाबले में। ओ इस बार देखिए रफ्तार से गिरफ्तार करना चाहते थे और भटक गए लाइन से, लेग पास के रूप में मिलते हुए चार रन। जैसी आरजे उम आपने कहा कि आउटफील्ड काफी तेज है, और यहाँ पर वो देखने को भी मिला कि थोड़ा सा मिस हुए उनके पैर से लगी गेंद, लेकिन वहां पर किसी के पास में कोई चांस नहीं, और पलक झपकते गेंद चली गई सीधा सीमा रेखा के बाहर। चार रन मिलते हुए इस गेंद पर, यहां से अब दिक्कतें बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, जिस तरह से अब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे तौसिफ। एक्स्ट्रा रन जुड़े हैं खाते में, चार रन लेग पास के रूप में, 69 स्कोर हो चुका है। देखना है लास्ट गेंद में कितने रन बटोर पाएगी यहां पर, एक बड़ा हिट 75 तक पहुंचा सकता है, देखना होगा। 69 रन, 69, चार विकेट, एक गेंद शेष है इस ओवर की। ओ इस बार लीडिंग एज, खिलाड़ी गेंद के नीचे, गेंदबाज या कीपर दोनों के कॉल का अभाव, रन आउट का मौका। अब तीसरे रन की कोशिश कर रहे हैं, दो रन वहां पर आसानी से मुकम्मल कर लिए। मैं समझता हूं कि तौसिफ की गलती, और जब से इनिंग स्टार्ट हुई है आरजे उम, जब से ही देखने में आया है कि यहां पर काफी कैचेस छूटे हैं, गलतियां हुई है, क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रन संख्या अब इस दो रनों के बाद 71, 71, चार विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 72 रनों का लक्ष्य है ईशान इलेवन के सामने, और जिस तरह से रन बनाए हैं आसानी से खर्च नहीं करना होगा नेशनल सुपर किंग्स को। दर्शकों कहीं पे ना जाइएगा, 72 रनों का लक्ष्य है ईशान इलेवन के सामने। गेंदबाजी यूनिट हालांकि नेशनल सुपर किंग की भी अच्छी है, यहां से कड़ा घमासान देखने को मिलेगा, कहीं पे ना जाइएगा, देखते रहिए ज़क़वान राइडर्स प्रेजेंट बालापुर प्रीमियर लीग सीजन 2। और आपके सामने कुछ ही देर में नजर आएंगे यहाँ पर बॉलिंग में परफॉर्मेंस दिखाते हुए वैभव पाचपोर। तो जो आरजे उम ने कहा है कि चंद ही मिनट में यहाँ पर फिर से सेकंड इनिंग का घमासान शुरू होगा, कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा इस कोहिनूर पार्क ग्राउंड से।